इसको ना बच्चे हो गए अलवेली आई हो। नवीन भाई तो पिटबुल पिटबुल लग रही है। तो सोच रहा है। आप तो बता रहे थे ना? हम देसी बंदे हैं, देसी ब्रीड पहचानते हैं, बाकी नहीं पहचानते हैं। पहले भी आएंगे इसको पकड़ने? पहले हमने टीटोन स्ट्रीट किया था, पर उसके जो इंजरी थी वो काफी बड़ी थी और पपीज भी थे ना, और उसको पकड़ना वहाँ पे मुश्किल था क्योंकि वो अग्रेसिव थी। तो हमारे पास जैसे स्पेस बना फिर हम उसको यहाँ पे ले आए। बच्चे कितने थे इसके? मर गया ना। बच्चों को लेके ज्यादा हो रही है ना तो जैसे किसी की पालतू है? किसकी पालतू है? वो स्कूल गए 2-4 महीने को, इसको छोड़ गए थे, इसने पाल ली। फिर कौन छोड़ गए थे इसको? बच्चन को छोड़ गए थे। आपके चुन्नू मुन्नू सुंदर है ये, कितने क्यूट है। ज्यादा हल्ला नहीं डालना, मादरे गुस्सा हो जाएगी। देखिए भैया, तुम्हारे को तो आज रेस्क्यूज तो नहीं आएंगे क्योंकि हम कहाँ डालेंगे रेस्क्यू। देख रहे हो तुम, पूरा भरा पड़ा। 360 व्यू लो तुम। एक दो तीन चार पाँच सात आठ, आठ हैं। अबे इसके आठ कर रही है, इसको 11 में लेके जाओ। अच्छा 11। स्कूबो गंदी स्कूबो स्कूबो। अच्छा हो गया नहीं करेगा वो। राधे दीदी कैसे चल रहा है स्कूबी का आफ्टर सर्जरी ट्रीटमेंट? उसको पेन है इसलिए वो वहाँ हाथ नहीं लगाने दे रहा है ना। अच्छा, और तेरे को तो फिर दुश्मनी है मेरे से। आ जाता है एक बड़ी मुश्किल समय। तो मुन्नू कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, याद रखना तू विक्की की तरह मत बन। स्वेलिंग कम हो गया ना, रेडनेस भी कम हो गया। ये हल्दी का पेस्ट? हाँ जी हल्दी का पेस्ट है ये अंग्रेजों वाला, और हम तो फिर है ना, तो हम तो हल्दी घोल के लगा देंगे। हाँ। जितना तू ना परेशान करना कर ले। क्या दिखाना चाहता है तू इसको? तेरा मुंह तोड़ना है तेरा भी। अनिल आपका बहुत बहुत टाइम से आपके वीडियोस देखता हूँ। हाय, आपका क्या नाम है? मीरा। मीरा मीरा, ओह नाइस, गुड नेम। हम गुजरात से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया रहे 15-17 साल, फिर यहाँ पे आए हुए हैं, तो अभी यहीं रहते हैं। गुजरात में आ गए हैं वापस टू स्टे, बच्ची को यहीं बड़ा करना चाहते हैं, यहीं रहना चाहते हैं। ऐसा क्यों? तो हमारा एक तो कल्चर मिले, फिर दूसरा ये फूड का भी ऑप्शन एक बहुत है। 99% लोग नॉन वेजिटेरियन है। स्कूल में जाएगी जब टिफिन लंच बॉक्स अब देखेगी तो मैं उसको कितने दिन तक रोक पाऊंगा? जैसे हम जैन हैं तो हमारे तो क्या है कि सब नॉन वेजिटेरियन सिस्टम ही समझ नहीं आती किसी, मतलब देखा ही नहीं है कभी किसी कुछ। तो अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरा कंट्रोल रहे, जैसे क्या देखेगी वो क्या समझेगी। गया मैं वहाँ पे इन्फ्लुएंस में आया, फिर मैंने एक बार ट्राई भी किया, फिर रियलाइज़ किया कि कोई आई एम नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। सब समझ में आ जाता कि वीगनिज्म मीन राइट थिंग है। अभी भी नहीं छोड़ पा रहे हैं दूध को। तो उसमें कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कोई जगह से ले मिल्क जो फार्म उनके काउस को ढंग से ट्रीट, पर अगेन इज नो एक्सक्यूज। मैं उसमें ये कहता हूँ कि वो आपको जगह जो है ना वो भी मार्केटिंग है। हाँ। कि हमारी गाय अच्छे से ट्रीट है, क्योंकि देखो आप हर बछड़ा पालोगे, बूढ़ी गाय भी रखोगे, आपका दूध हो जाएगा 350-400 रुपये किलो, तो आप काहे कौन खरीदेगा। तो हाँ। उसमें ये कर लो आपकी भाई, जो आपकी बड़ी बड़ी तलब वाली चीज़ है ना, चाय तो पीनी है तो चाय में दूध ले लो। वही कर रहे हैं, चाय पनीर छोड़ दो, पिज्जा छोड़ दो। हाँ नहीं बहुत कम कर दिया, मतलब फिर भी मैं क्या करेंगे ऐसा बोलने के लिए तो नहीं बोल सकते, पर मैं वही वो इसराइल वाले मिल्क का वेट कर रहा हूँ कब आएगा। हाँ हाँ, वो शुरू किया इंडिया में एक कंपनी ने, अभी कहाँ मिल रहा है अभी नाम बता दो यार। कौन सा वाला मिल रहा है तो नहीं पता, कौन सा वाला मिल्क ऐसा वो दूध लैब में बना रहे हैं। लैब में बना रहे हैं, जैसे लैब में मीट बना रहे हैं ना, वो तो कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। इनको भी अभी फंडिंग मिली है, कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। इनका नाम है जीरो काओ फैक्ट्री, और आपके ये सूरत में ही है। पेट एनिमल्स का भी मेरा पर्सनल थॉट है कि पेट एनिमल्स अनलेस रेस्क्यूड डॉग हैं या रेस्क्यूड एनिमल है, बाकी पेट हम हमारे लिए इमोशंस के लिए रखते हैं। बराबर सही, कोशिश पूरी कर रहे हैं कि होपफुली वीगनिज्म में आ जाए। चलिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, जब राम जी जाएंगे हो जाओगे आप वीगन। नहीं नहीं आना ही पड़ेगा वो तो। बाय मीरा। बाय बाय। हम टाइनी की मसाज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो
सब आएगा ऑलरेडी बहुत कमजोर उसका हाइंड लेग्स में बहुत स्वेलिंग बहुत दर्द अंदर का बहुत डैमेज अंदर हुए बहुत इन्फेक्शन हुए भी और अभी हमारा फर्श के साथ बहुत स्लिपरी है ना तो हर बार धो उसका धो उठाएँ She's falling. बिल्कुल nerve damage है. थोड़ा massage करेंगे to relieve the nerves. बात ऐसी है ना कि यहाँ पर canine distemper का risk है. इतने छोटे puppies हैं. Definitely vaccinated तो नहीं होंगे आवारा है तो. Yes. उनको यहाँ रखना मतलब वही है कि 90% chance तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं. अगर उनको बचाने के इरादे से लाए तो मुझे तो नहीं लगता मैम कि यहाँ पर सिर्फ एक रात रखने के लिए बोल रही हूँ. मैम इन्फेक्शन है तो वो तो एक रात हो आधा दिन हो. कल सुबह आके तो मैं इनको ले जाऊंगी और तीन का तो ट्रीटमेंट मैं खुद कर रही हूँ. जो इनके तीन भाई और है ना छः है तो तीन का तो ऑलरेडी अभी तीन एक लड़का पकड़ रहा है तो तीन आप रखिए तीन का तो मैं ट्रीटमेंट फिर हम करेंगे. आधे दिन भी रखने की बात है रिस्क बड़ा ज्यादा इनके लिए मेरा कुछ नहीं जाएगा. मैं ये बात भी ठीक बोल रहे हैं बचाने बचाने के चक्कर में आप इनको बाहर रहने दीजिए ना जहाँ ये रह रहे हैं वहाँ रहने दीजिए. ऑइंटमेंट ड्रेसिंग स्प्रे साहिल है एक पशु वाले ऑर्गेनाइजेशन है योल में बात कीजिए अगर वो उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो. देखिए पता है इट्स लॉजिक वो पता नहीं या तो हम थोड़े ऑर्थोडॉक्स हैं कि जो भी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं अगर कोई डॉक्टर कर देना एक बार ट्रीटमेंट तो वो जल्दी रिकवर हो जाता. मैं अभी डॉक्टर को मतलब बुलवा लेती हूँ ट्रीटमेंट हो जाएगा बाहर ही अंदर तो आप लाओ ही मत मेरे हिसाब से. थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग. थैंक यू सो मच. आप लोग कल कितने टाइम से कर रहे हैं रेस्क्यू? 2007 के बाद से कर रहे हैं. अभी आप कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या अभी? नहीं अभी नहीं किसी के साथ नहीं कर रहे हैं. हमें जैसे ही कुछ मिलता है तब हम कॉल कर देते हैं और काम. Okay. जितना ट्रीटमेंट हमारे से मैक्सिमम जो भी ट्रीटमेंट होता है वो खुद हम कर लेते हैं. एनजीओ को तब कॉल करते हैं जब हमारे हाथ से ज्यादा बाहर की चीज होती है. और हमने अराउंड 14 डॉग्स स्ट्रे डॉग्स भी रखे हुए हैं जिनको मॉर्निंग एंड इवनिंग फीड करते हैं. सिर्फ अपने घर के पास नहीं अपने घर से 7 किलोमीटर एरियाज में जितने भी डॉग्स हैं स्ट्रे उनको सबको फीड करते हैं मेरे फादर इन लॉ. अभी सरगम को इंजेक्शन क्यों दिया आपने? सरगम को इंजेक्शन तो दिया है थोड़ा शांत हो जाए सेडेट करने के लिए इसको फिर इसके बाद इसकी कास्ट्रेशन की जाएगी. और किसी और का भी और है क्या आज कास्ट्रेशन सरगम और शंभू और लेजर का? शंभू और लेजर सरगम. मैं इनमें से जानता हूँ उनको एडिटिंग करते हो? हाँ एडिटिंग करते हैं. ओके और आपको भी जानता हूँ मैं और मुझे भी जानता हूँ तो आपको तो सही है फेमस. तो पता लग रहा है जू में आने उसको कैसा महसूस हो रहा है शेर बंदर. विक्की सुनने में आया तेरे पेरेंट्स आए दिखने में भी आया. मैंने सुबह आपको नहीं पहचाना उसने देखा कि मेरे को लगा नहीं लेकिन हमने पहचान लिया था आपको. आपके वो देखते रहते हैं ना वो डालता रहता है वीडियोस वगैरह यही बनाता है जो बड़ा नून है. बड़ा नून है हाँ जी और क्या. अब ये दिल्ली से मेरे मित्र आ रखे हैं स्कूल जानते हैं मेरे ये भी इसको विक्की को जानते हैं आते से. हाँ जी जानते हैं इसको नाम से नहीं काम से पहचान रहे हैं इसको. लेकिन आप जो काम कर रहे हो ना वो दी बेस्ट है. हर एक की हिम्मत नहीं होती इस तरह का काम करना. मतलब मैं हम्बल नहीं हो रहा पर मुझे लगता है कि ना किस्मत वाली बात है कि कोई किसी की नहीं किस्मत नहीं होता है. भगवान जो एक रास्ता बना के भेजता है किसी ने किसी को माध्यम तो बनाना ही पड़ता है तो वो माध्यम आपको बनाया है. मैंने देखा क्या होगा कि लोग जैसे अपनों के लिए करने की इतनी आदत पड़ जाती है जैसे भाई शुरू में तो हम हो रहा है भाई अपने लिए अपने को थोड़ा सेट कर लें फिर पेरेंट्स का ध्यान रख लें फिर बच्चों को सेट कर दें. अब बच्चे भी जब सेट हो जाते हैं फिर बंदा कहता है अब मैं क्या करूं वो इतना घूम चुका होता है ना ये सिचुएशन सर की हो रही है. अच्छा अच्छा ऐसा ये इंडिकेशन इधर तो था. हमारे साथ आके जुड़ जाओ हमें तो बंदे चाहिए जो अनुभवी हों. दो दो जगह का अनुभव है ना एक तो आर्मी का एक टीचिंग का. वो अलग चीज है ये अलग है सो मच डिफरेंस. और दोनों ही चाहिए यहाँ पे हमारे को तो क्योंकि वो भी चाहिए दोनों से ही हेल्प मिले डिसिप्लिन भी चाहिए और टीचिंग भी चाहिए और एक प्रिंसिपल हो जाए तो बड़ा ही बढ़िया रहे. अंकल आपने विक्की को डिसिप्लिन देने के लिए क्या क्या तरकीबें इस्तेमाल कर दी? डिसिप्लिन नहीं नहीं अगर कुछ तरकीबें ट्राई की होंगी ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये है डिसिप्लिन विक्की का. आर यू सीरियस? कुछ नहीं भाई पहले का टूटा हुआ था ठीक है.
रॉबिन एक चीज़ पूछनी थी आपसे। ये आपको पता है किसने किया? ये तुम विक्की का नाम लगा रहे हो, ये विक्की ने नहीं किया ना, तुम्हारे सामने किया उसने कैमरा पे रिकॉर्डिंग। अच्छा तो फिर उसने फिर एज इट इज रख दिया था, क्योंकि यहाँ पे जब मेरा एक फ्रेंड बैठा तब टूटा तो मुझे लगा उससे टूटा। ज्योति किसको दबोच रखा आप लोगों ने? राजा, सबकी बारी आएगी, इसके बाद बेटी जी है, उसके बाद मिमी है, उसके बाद विक्की है, रुको तुम्हारे लुकिंग सो मच बेटर। सीन का भी काटने का सोच रही क्या? हां ऊपर से अच्छा फ्लैट करने का। खून आया। अच्छा बच्चा खून। कीप चॉपिंग, गेट थ्रू, डोंट वरी राजा। अगर ऐसे सब होता है तो अगर हम इसमें डायरेक्ट पोटेशियम इतना सा लगा दें तो है ना। पोटेशियम से क्या होता है? ब्लड चॉपिंग। ये उठते ही मारेगा आप सबको ना। मारेगा नहीं, रोएगा। ये फिर खुल गया। ज्योति मैं गेट बंद करने भागी थी कि अगर बाहर निकल जाता ना तो ज्योति खुद भागी। खुद नहीं भागी, मैं गेट बंद करने भागी थी। और ऑब्वियसली मैं बेवकूफ तो नहीं थी उसके सामने मैं जाऊंगी कि हाँ मैं रस्सा पकड़ लेती हूँ बैल खुल इसको काटने से। हेलो श्वेरी, इसके तो सींग भी नहीं है बेचारी के। कर रहा है आज। ओके ओके, एक तो तेरा पेडिक्योर कर रहा है वो भी साहिल, एक अच्छा पेडिक्योर, और तू रो रही है। बता, पेडिक्योर कंप्लीट? लड़का दिखाने ले जा सकते हैं। ये कितनी डर गई मीमी आप लोगों से, देखो कहाँ जाके बैठी है। भगी 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 इसको पकड़ो, भाग जाएगी। बेचारी मीमी, क्या यार, कभी तेरे बाल नोच देते हैं, कभी तेरे पैरों को। Sheep or goats, mountain animals, hai na? Normally rocks, jumping, alag alag surfaces, zarurat hai. Yahan, hamara surface thoda not enough. So abhi Sahil, hamara hoof trimming expert. Jyoti, kisko release kar rahe hain? Jack, main injury ke liye laaye the hoof ki, hai na? Aur wo Dehra se usko leke aaye the, jo informer the wo khud. प्रॉब्लम ये हुई ना, हूफ उसका ठीक हो चुका है, लेकिन उसको साथ में जो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, सामने वाले लेग के पास इतने सारे वार्ट्स थे और शरीर में और भी जगह में वार्ट्स काफ़ी थे। हमने बहुत कोशिश की हम कि वार्ट्स का ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट करके भेजें, इसलिए काफ़ी एक्सटेंड हुआ है उसका यहाँ पर रहना। लेकिन अभी अगर हम लोग कम्प्लीटली ज़ीरो करने की कोशिश करेंगे तो उसमें महीनों लग जाएंगे। बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं जिनको ज़रूरत है, तो उनको लाने के लिए हमें जैक को वापस रिलीज़ करना पड़ेगा। जा रहा है आज तू? बहुत याद आएगी तेरी। चाचा ये वाला बैल तो नहीं कूदेगा ना गाड़ी में से? भूसा यहाँ गए का? कहाँ पर? ये पीछे रोड पे ना। कहाँ से ले गए वो भूसा? तेरा बाबा ना पंजाब का। पंजाब से? कितने क्विंटल होगा ये? कोई 60 तो पूरी होगा। विपिन भैया खुश हो? बढ़िया, मजा आ गया? भूसा मिल गया नया? मिल गया। तो आपके चेहरे पे खुशी दिख रही है मेरे को बहुत ज्यादा। मैं खुशी जाता हूँ हमेशा। यहाँ हमने भूसा भर दिया पूरा कपा कप। अड़ गए ना? चाचा आपको तकलीफ आती है इस वाले बुल को लेटाने में या बाकी बुलों की तरह इसको भी आराम से लेटा लेते हैं? दूसरों को डालते हैं ना रस्सा, तो उनके पाँव जो पिछले ऐसे लड़खड़ाते हैं, ये अपने पाँव एकदम ऐसे करते हैं स्टिक। तो डॉक्टर साहब कैसे चल रहा है इसका रिकवरी वाला, हूफ वाली जो इंजरी होती है? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जैसे गोबर वगैरह लगता है ना, या पानी वगैरह भी लगता है तो गीला रहता है। अच्छा, तो टाइम नहीं लगता काफी ज़्यादा। तो इस वाले तरीकों को हम सब कट बोलते हैं सर? आईवी। इंजेक्शन जा रहा है ना, ओटीसी प्लेन जा रहा है उसको, तो वो इंजेक्शन आईवी ही जाता है ना। और आईवी मतलब डायरेक्ट वेन में। फुर्ती तो है आप में ना इस उम्र में भी। ना तू क्या सोच रहा, बूढ़ा हो गया? चलो बच्चा आ जाओ, आ जाओ बिट्टू, तारू 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 आया। चलो, ये स्विमिंग के लिए आई थी ना, और फिर उसके बाद इसकी हेल्थ खराब हो गई थी क्योंकि ओल्ड है काफी। अभी काफी बेटर है ये। आई थिंक ये कैमरा से डर रही है तुम्हारे। बाकी तो ये हाउल करती है। सॉरी तारा। तारा को हम वापस भेज रहे हैं, जो सिस्ट था उसकी वजह से भी काफी प्रॉब्लम आई थी, अभी ठीक है, खाना वगैरह खा रही है। हम बस ये चाहते हैं कि वापस अपने एरिया में जाएगी तो थोड़ा सा स्ट्रेस कम रहेगा, रिलैक्स रहेगी। चले चले,
कि डॉग तो जाना चाह रहे होते रिकवर होके, मेरे को लग रहा है इसका ना थोड़ा सा मन लग गया अब यहाँ पे टेंपरिंग की वजह से। काम कर, हाँ कोड़ाऊँ कोड़ा, हाँ क्या हुआ शर्मिशी आपकी डॉग है? नहीं मेरी तो नहीं, रोड डॉग है ये। अच्छा अच्छा, मैं लेके आया था इसको यहाँ पे। अच्छा ट्रीटमेंट के लिए आया? ट्रीटमेंट टीवीटी की प्रॉब्लम थी इसे। अच्छा। अब जो इसकी ट्रीटमेंट है, जैसे पहले आप वीकली उसको जो इंजेक्शन लगवा रहे थे है ना, वो एक बार इसका प्रॉपर बॉडी चेकअप करा लीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते। आप लेके जा रहे हैं? नहीं लेके, मैं आपका फोन आया कि आप अर्जेंट आओ। हाँ। तब आया मैं अर्जेंट, मैं काम छोड़ के। तो वहाँ पे जो कोई वेटरनरी तो होगा ना? वहाँ पे है पर नहीं है उनके पास, उनके वो तो उनके बाकी काम ही नहीं होते उनसे खत्म। तो ट्रीटमेंट तो किसी और वेट को ही आपको दिखाना पड़ेगा। एक बार उसका चेकअप करा लीजिए, वो प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे, और उसके बाद अगर डॉग ठीक रहती है, खाना पीना खा रही है, तो आप विन क्रिस्टीन जिससे पहले लगवा रहे थे उससे कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। इधर जबरदस्त ओले गिर रहे हैं और ओलों की वजह से अभी इधर पूरी नेट नीचे आ चुकी है। और तेरी क्या हाल हो गया इधर राजा? सब ठीक है भाई, सब ठीक है, सब बढ़िया, डरने की जरूरत नहीं है। ओ हो नवीन भाई, किसको पकड़ के बैठे हो? दबंग हुड़ दबंग। हाँ कैसे चल रहा है इसका ट्रीटमेंट? दोनों टेस्टिकल्स हैं ये, कुछ और पार्ट है ये? टेस्टिकल ही है ये। वही वाला केस है ना, डॉक्टर्स ने गलत सर्जरी कर दी थी, पोस्ट ऑपरेटिव केयर नहीं मिली ना, इसी वजह से ये हो गया। अब इसकी रिकवरी क्या होगी? ये छोटा होता रहेगा धीरे धीरे वाला पार्ट, ये निकल जाएगा बाहर, स्किन आ जाएगी पर छोटा हो जाएगा ये। फिर नेक्रोसिस ज्यादा थी वो कम हुई है। बच मेरी दबंगी, बच मेरी दबंगी, तीन पार्ट बन गया दबंग के, चौथा बनेगा इस दबंग के साथ। हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग। धनुष ओ कितना बदतमीज है तू, इधर लेके डांट ले चल। डांट तो मैं, फोन नंबर है इसका, मन नहीं कर रहा जाने का। हाँ यहाँ पे आके किसका मन करता जाने। इसके पैर में हुफ में इंजरी थी, काफी ब्लीडिंग थी, और इसके गले में एक टाइट रस्सी बंधी हुई थी ना। अच्छा, अच्छा। रस्सी तो वहीं कट कर दी थी। वॉर्ड्स का भी ट्रीटमेंट चल रहा था, हुफ पूरी तरीके से ठीक हो गए ट्रीटमेंट के बाद, लेकिन वॉर्ड्स बचे हुए हैं। बट वही है, हमारे पास ऑलरेडी इतने पेंडिंग केसेस हैं, और वॉर्ड्स की ट्रीटमेंट अगर हम पूरी कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे तो महीनों लग जाएंगे अभी ना, इसीलिए हम इसे छोड़ रहे हैं। जादू है ना तो अपना। मैगट वुंड तो रिकवरी पे ही है इसका, पर इसको और कोई प्रॉब्लम शुरू हो रही है, जैसे कि यूरिन ड्रिबल कर रहा है, मतलब ड्रॉप ड्रॉप वाइज आ रहा था इसको। अच्छा। ऐसा नोटिस हुआ पिछले कल हमें, किसने अपना वो पीनिस निकाला हुआ था, तो फिर वो थोड़ी सी स्वेलिंग लगी, तो जब मैं ट्रीटमेंट कर रही थी तो फिर डॉक्टर अनिशो को बुलाया था मैंने कि कुछ, फिर जब वो दिख रहे थे ना जो उसको स्पॉट स्पॉट हुए हैं, हो सकता है कि ये जो टीवीटी स्टार्ट हो रही हो। उसका मैगेट वुंड तो बड़ा सही हो गया, साफ चिकना बिल्कुल लग रहा है तुझे चिकना। हाँ यार बहुत अच्छा लगा देख के तो, मतलब कैसा आया था बेचारा। हाइपोटोनिक वाली बैंडेज कर रहे हैं हम, बट वो तो हम जख्म सुखाने के लिए करते हैं ना, तो इसको तो सही हो गया, फिर क्यों कर रहे हैं? अभी है थोड़ा थोड़ा सा, जो भी इसमें अंदर बच्चा हुआ है तो सारा खत्म हो जाएगा। तू यहाँ ध्यान दे और इसको पकड़ ऐसे करते। क्या यार सुधांशु भाई यार, ये बड़ा शांत बैल है, इसकी तो आंख आ गई वापस। आंख तो पहले से थी बच्चे, पहले से थी आंख, कभी गई नहीं थी आंख, स्वेल्ड थी, अब स्वेलिंग कम हुई आंख की। पैर वाली चोट तो सर इसकी सही हो रही होगी रिकवर काफी। बस 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 हटा लो उसको, राजा मत खा। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, सगला ने डॉक्टर हिमांशु रो गानो चोखो लागियो है, और ते वीडियो एंड तक देखियो हो तो लाइक और कमेंट कर जो। थैंक यू।